गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन बीबीबीएन ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट्स, टुडे सब्जेक्ट इंग्लिश एंड आवर टॉपिक इज स्मॉल लेटर्स अल्फाबेट्स एफ टू जे। इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड अबाउट स्मॉल लेटर्स ए टू ई। हमने अपनी लास्ट क्लास में कहां से कहां तक स्मॉल लेटर्स सीखे हैं, ए से लेकर ए टू ई। So, आज हम कहां से कहां तक लर्न करेंगे, एफ टू जे। सो आप लोग ध्यान से देखना, मैं आपको पहले ये लिख के बता रही हूँ, फिर आपको इनको लाइन्स में लिखना बताऊंगी कि कैसे नोटबुक की फोर लाइन्स में स्मॉल लेटर्स जो है लिखे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स लुक एट दिस ब्लैक बोर्ड। ई के बाद में क्या आता है, एफ फोर फिश। ये है हमारा स्मॉल F। F के बाद में क्या आता है, G4 ग्रेप्स। ये है हमारा स्मॉल G। G के बाद में क्या आता है, H4 हैं। ये है हमारा स्मॉल H। H के बाद में क्या आता है, I4 आइसक्रीम। ये है स्मॉल I। आई के बाद में क्या आता है, जे फोर जग। ये है हमारा स्मॉल जे। तो स्टूडेंट्स मैंने एफ से लेकर जे तक स्मॉल लेटर्स लिखे हैं, एफ फोर फिश, जी फोर ग्रेप्स, एच फोर हैन, आई फोर आइसक्रीम एंड जे फोर जग। अब मैं आपको आपकी नोटबुक्स में फोर लाइंस होती है उनमें जो स्मॉल लेटर्स है उनको कैसे लिखा जाता है ये मैं आपको बता रही हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखना, मैंने फोर लाइंस ड्रॉ की हुई है यहाँ पर बॉक्स में, तो हम उनको देखते हैं। वन टू थ्री फोर, ये हमारे फोर लाइन की नोटबुक की बॉक्स बनाए मैंने। तो उनमें से वन टू थ्री ऊपर की थ्री लाइन में स्मॉल एफ जो है बनेगा। तो वो बनेगा कैसे, पहले हमने एक लाइन बनाई फिर उसको नीचे टर्न कर दिया, एक लाइन उसके सेंटर में बना दी, तो ये हमारा बन गया स्मॉल एफ। अब एफ के बाद में क्या है, जी फोर ग्रेप्स। अब जी फोर ग्रेप्स को कैसे लिखते हैं वो देखिए। अब देखिए वन टू थ्री फोर, ये फोर लाइंस है। हम क्या करेंगे, जी फोर ग्रेप्स को ऊपर की लाइन हम छोड़ देंगे, उसके बाद में यहां से काउंट करते हैं वन टू थ्री, मीन्स नीचे की थ्री लाइन्स में जी फोर ग्रेप्स बनता है। तो उसको कैसे बनाएंगे, इसके लिए सबसे ईजी है आप पहले छोटा ओ बना लो, फिर उसके एक लाइन बना दो और उसको ऐसे टर्न कर दो। तो ये हमारा बन गया G4 ग्रेप्स। अब G के बाद में क्या आ रहा है हमारा, H4 हैन। ये है हमारा स्मॉल H। तो इसको कैसे लिखेंगे, फिर से हम लाइंस काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर, ये फोर लाइंस है। तो स्टूडेंट्स हम इसमें ये लाइन छोड़ेंगे वन टू थ्री, ऊपर की थ्री लाइंस में H को लिखेंगे। तो पहले हमने सीधी लाइन ड्रॉ की फिर इधर टर्न कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, H4 हैन। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट ये क्या है, H के बाद में क्या आता है सबको मालूम है ना, I4 आइसक्रीम। तो ये हमारा स्मॉल I। अब इसको कैसे लिखते हैं, वन टू थ्री फोर, ये फोर लाइन्स हैं। तो हमने एक लाइन ऊपर से छोड़ दिया, एक लाइन नीचे से छोड़ दिया, तो ये बीच में जो मिडिल लाइन है स्मॉल I उसमें लिखा जाएगा। छोटी लाइन ड्रॉ कर ली ऐसे सीधी, फिर उसके ऊपर एक बिंदी लगा दी, तो ये हमारा क्या बन गया, आई फोर आइसक्रीम। आई फोर आइसक्रीम बनाना बहुत इजी है स्मॉल लेटर का। सो आई फोर आइसक्रीम ऐसे बनता है। अब आई के बाद हमारा क्या रहा है, जे फोर जग। तो जे फोर जग को कैसे बनाते हैं देखिए, वन टू थ्री फोर, फिर से फोर लाइन काउंट की। जे फोर जग और जी फोर ग्रेप्स जो है नीचे की वन टू थ्री लाइन्स पर बनता है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, पहले सीधी लाइन करेंगे ऐसे, फिर इसको इधर से टर्न कर देंगे, तो ये हमारा है जे फोर जग। अब आप लोग ध्यान से देखना, जी फोर ग्रेप्स में मुंह बनता है इस तरफ और जे फोर ग्रेप्स में ऊपर बिंदी लगती है, तो ये हमारा जे फोर जग बन गया। ओके स्मॉल जे। अब मैं एक बार फिर से लिख रही हूं, आप लोग देखना, एफ फोर फिश कैसे बनेगा ऐसे, जी फोर ग्रेप्स, ये है हमारा स्मॉल
जी, एच फॉर हैंड, ये है हमारा स्मॉल एच। आई फॉर आइसक्रीम, ये है हमारा स्मॉल आई। एंड जे फॉर जग, ये है हमारा जे फॉर जग। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आज हमने क्या सीखा है, एफ से लेकर जे तक स्मॉल लेटर्स को है लिखना सीखा है। अब हमने ए से लेकर जे तक लेटर्स जो है एच ये है एच फोर है। हमने ए से लेकर जे तक लेटर्स की लिखने की प्रैक्टिस की है। इसके आगे के लेटर्स, जे के आगे के लेटर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी कि हम उनको कैसे लिखते हैं स्मॉल लेटर्स को। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आप लोग घर पे होमवर्क में एफ से लेके जे तक प्रैक्टिस करोगे, साथ साथ ए से लेकर जे तक भी आप लोग स्मॉल लेटर्स की प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि जितना अच्छे से उनको लिखोगे आपकी हैंडराइटिंग उतनी ही इम्प्रूव होगी। तो आपके होमवर्क में आपको लेटर्स को ए से लेकर जे तक भी प्रैक्टिस करना है। तो स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।